अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि घर के बने मक्खन से देसी घी कैसे निकालते हैं। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। दूध में से जमी हुई मलाई को इस तरह उतार लीजिए। मैंने तकरीबन 2 हफ्तों की ऐसे ही मलाई इकट्ठी की है। 2 चम्मच दही लेकर उसमें जाग लगा देंगे। अच्छी तरह से मलाई में मिक्स करने के बाद इसको 24 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, मलाई को अब हम 24 घंटे रखने के बाद इसको अच्छे से बीट करेंगे। अच्छे से बीट कीजिएगा ताकि मक्खन जमा होना शुरू हो जाए। देखें, मक्खन पानी को छोड़ता जा रहा है और एक जगह इकट्ठा हो गया। अब हम इसमें बिल्कुल चिल पानी डालेंगे, बहुत ठंडा पानी, जिसकी वजह से मक्खन बाइंड होना शुरू हो जाएगा। ठंडे पानी की वजह से मक्खन जम चुका है, इससे हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। कितना स्मूथली मक्खन निकल चुका है। अच्छे से पानी से निचोड़ लेंगे। अब ये घर का मक्खन भी तैयार है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, पराठों पे लगा सकते हैं, बच्चों को ब्रेड में लगाकर दे सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इससे घी निकालेंगे, इसलिए अच्छे से पानी निकालकर इसे फिर चूल्हे पे घी का प्रोसेस करेंगे। पानी निकल चुका है मक्खन में से, और ये जो लस्सी सी बनी है, ये भी हम कभी आपसे शेयर करेंगे कि इससे कैसे पनीर निकाल सकते हैं। ये वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा, सब चीजें काम आ जाती हैं। मैं इसको घी के प्रोसेस के लिए सिल्वर की देश के इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश कीजिए नॉनस्टिक ना यूज करें, क्योंकि बाजू का जला हुआ नीचे लग जाता है तो नॉनस्टिक खराब हो सकता है। तो आप इसके लिए सिल्वर के बर्तन ही इस्तेमाल कीजिए। अब इस मक्खन को हल्की सी आंच करके हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। देखिए, मेल्ट होना शुरू हो चुका है। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत से कलर का घी निकला है। इसे ठंडा करने के बाद किसी भी कंटेनर में सेव कर लें और यूज कीजिए, एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया। Please subscribe our channel and press the bell icon.